हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए मैं अपडेट लेके आया, वो है सहरसा जंक्शन से लेकर सरायगढ़ जंक्शन के बीच जो कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है उसका मैं अपडेट देने का आया। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको स्टेशन के नाम बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहरसा जंक्शन के बाद आएगा नंदलाली हॉल्ट, पंचगाछिया, गरबरौरी, विनयकमा हॉल्ट, सुंदरपुर हॉल्ट, सपोल, कदमपुरा, थर बिटिया, फिर उसके बाद आएगा बैजनाथ अंदोली, फिर उसके बाद आएगा सरायगढ़ जंक्शन, जो कि मैं आपको स्टेशन के नाम बता चुका हूँ। उसमें चलिए मैं आपको उसका एक अपडेट बता देता हूँ कि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या कार्य चल रहा है। आपको मैं उसके साथ में डेडलाइन भी बता देंगे। दोस्तों, अभी मुझे लग रहा है सहरसा से लेके जो कि अपना थर बीटिया करके जो आता है वहाँ का अभी पोल्स लग चुके हैं और अभी ब्रैकेटिंग का कार्य चल रहा होगा। ब्रैकेटिंग वर्क, वो जो ब्रैकेट लगाते हैं ना खंबे में, उसमें अभी ब्रैकेटिंग वर्क भी बाकी है। फिर साथ में वायरिंग भी हो जाएगा, जल्द से जल्द वायरिंग का कार्य वो भी हो जाएगा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या टारगेट है उसका। उसका जो डेडलाइन है सीधा दिसंबर के एंड में हो जाएगा, यानी इसी साल के एंड में 2021 में वो हो जाएगा। फिर उसका जितने भी पैसे डेमू ट्रेन जो चलती है उनको भी जल्द से जल्द मेमू में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मेमू ट्रेन में जो मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए उनके बदले। फिर उससे पोल्यूशन भी कम हो जाएगा जल्द से जल्द उनमें, यानी डीजल की कोई खर्चा भी नहीं हो सकता है इसीलिए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, जो भी कोई नोटिफिकेशन में मिलेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।